आर्थिक उन्नति पाई मोदी सरकार को आउ एक बड़ पदक्षेप। राष्ट्रीय हलदी बोर्ड गठन को केन्द्र सरकार मंजूरी। देश सारा बदल हलदी चाषी भाग्य। आयरे अन्य राज्यर हलदी चाषी समकक्ष हेबे तो ओडिशार चाषी। ओडिशा हलदीर मार्केटिंग आवश्यक पदक्षेप नेबे तो राज्य सरकार। आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूँ, केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। तीन दिन तले तेलंगाना रे घोषणा करथिले प्रधानमंत्री। आ बुधवार राष्ट्रीय हलदी बोर्ड गठन को मंजूरी देले केंद्र सरकार। देशरे चाषी आय दुगुणा करिबा मोदी सरकार प्राथमिकता। ए दिगरे हलदी बोर्ड गठन एक जुगांतकारी पदक्षेप। ट्वीट करि केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती वैश्विक हलदी उत्पादन में भारत भागीदारी 75% रु अधिक। राष्ट्रीय हलदी बोर्ड गठन देशर अन्नदाता सशक्त करने दिगरे एक ऐतिहासिक पदक्षेप। यह देशर कृषि क्षेत्र में क्रांति आणवा और कृषकों समृद्धि और संपन्नता सुनिश्चित करने दिगरे प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्धता को दर्शाऊ। राष्ट्रीय हलदी बोर्ड गठन हलदीर वैश्विक चाहिदा बढ़ावा मूल्यवर्धित हलदी उत्पादर विकास पर गवेषणा और विकास को अग्राधिकार देवा भारत रप्तानी क्षमता बढ़ावा और हलदी चाषी नुआ सुजोग सृष्टि कर। यहाद्वारा ओडिशा समेत महाराष्ट्र तेलंगाना कर्णाटक तमिलनाडु मध्यप्रदेश आंध्रप्रदेश पश्चिमबंग आसाम गुजरात मेघालय भली राज्यर लक्ष लक्ष हलदी चाषी उपकृत हेबे। विशेषकर कंधमाल जिले जो हलदी चाष हुए विश्व प्राय प्रशंसनीय हलदी चाष प्राय आम कंधमाल जिले अधिक हुए प्रतिवर्ष यठार टन टन हलदी उत्पादित हो बाहर राज्य को सारा विश्व को जगह थाए। बोर्ड गठन करिया को बिक्री बटा करें विदेश हलदी हलदी जिनस रप्तानी करी पठे पारती सत्य अटे। एथिरे संदेह नहीं केन्द्र सरकार पक्षर हलदी बोर्ड गठन फल ओडिशार हलदी चाषी भी उपकृत हेबे। हलदी चाषी आय बढ़ किंतु प्रश्न है अन्य राज्यर चाषी केमिति समकक्ष हेबे ओडिशार चाषी जितेबले कि अभावी बिक्रीर सामना कर दुर्दिन अच्छा आम राज्यर हलदी चाषी। यार सबुठ बड़ उदाहरण है कंधमाल जो जिले में 60,000 रु अधिक परिवार हलदी चाष सह जड़ित। प्रतिवर्ष प्राय 12-13,000 हेक्टर जमीन हलदी चाष होता है। वर्षक प्राय 26,000 मेट्रिक टन रु अधिक शुखिला हलदी 1,25,000 मेट्रिक टन कंचा हलदी उत्पादन हुए। कंधमाल में संपूर्ण जैविक पद्धति हलदी चाष हो गुणवत्ता समग्र विश्व में यार स्वतंत्र चाहिदा रही। 2019 कंधमाल हलदी को जीआई मान्यता भी मिलता किंतु एजाए कंधमाल हलदी को अंतर्जातीय बजार रे मार्केटिंग करिबारे संपूर्ण फेल मारी ओडिशा सरकार। फल उपयुक्त बजार भावु स्थानीय बजार रे साग माछ दर रे किलो पिछा 30-40 टंका दर रे हलदी बिक्री करबा को बाध्य हेउछंती चासी। केन्द्र सरकार जो बोर्ड गठन करा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप कारण ना दीर्घ वर्ष धरिकी जो हलदीर दरदाम वृद्धि हो पारुनथिला चाषी मैंने धीरे धीरे कंधमाल रु हलदी चाष छाड़ कंडीशन रे थिले तो कंधमाल हलदी जितेबाला कि विश्वविख्यात हो जीआई टैग हो तो हलदीर जितेबाला कि गोटे बोर्ड गठन हे तो निश्चित भाव से ठीक दर में बिक्री करेंगे और दर भी धार्य हे जहाद्वारा कि चाषी मैंने फायदा पाईपर। हलदी चाष मु दीर्घ 10-15 वर्ष है किंतु ए वर्ष केंद्र सरकार जहाँ हलदी चाषी मन प्रोत्साहन जो घोषणा करें स्वागत करुचु आदारा कि चाषी मैंने बहुत उपकृत हो पारे आउ विश्व दरबार में कंधमाल जिलार भी हलदी चाष उपरे ख्याति अर्जन कर। गोटे पटे अभावी बिक्री सामना करुछंती हलदी चाषी एमती स्थित मेघालय भली राज्यर हलदी चाषी ओडिशा चाषी आय सामान होमती एथिपाई राज्य सरकार को सीमित प्रचेषा कले चलो ना अंतर्जातीय बजार में केमिति ओडिशा हलदीर मूल्य बढ़िबो सेथिपाई स्वतंत्र उद्यम करने दरकार ओडिशा सरकार। कोरोना समय अंतर्जातीय बजार में बढ़ी जाता मेघालय हलदीर चाहिदा यह पछे थिला मेघालय सरकार को स्वतंत्र प्रचेषा। महामारी समय मेघालय हलदीर स्वतंत्र पैकेजिंग करी ताकु इम्यूनिटी बुस्टर बा रोग प्रतिरोधकारी भाव दर्शाई अंतर्जातीय बजार में मार्केटिंग करते मेघालय सरकार जहाँफल बेस लाभ पाई से ही राज्यर चाषी। एबे प्रश्न होला ओडिशा हलदीर मार्केटिंग दिगरे स्वतंत्र ध्यान देबे कि ओडिशा सरकार अन्य राज्यर चाषी सामान ओडिशा सरकार को राज्यर चाषी आय 4 गुणा करबा दिगरे काम करबा हेबो। आम 5 एकर 10 एकर कलु तार मार्केटिंग प्रॉब्लम होउची जोटा कि क्वांटिटी जदि आम एभेलेबल करि परिबा
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂଟା ଇଜି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ 40 କେଜି 50 କେଜି ଧରିକି ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ, ସେ ତାକୁ ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଏମିତିରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଚାଷ ଭାଇବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ହଳଦୀ ଚାଷ ଉପରେ କିଏ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରିପାରିବା ଆଉ ଚାଷୀ ସବୁ ଚାଷୀକୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ କରିପାରିଲେ ବାୟର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବାୟର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ। ହଳଦୀ ବୋର୍ଡର ଗଠନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରୁ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କେମିତି ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।